दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जैसा कि आज का ये ब्लॉग मेरा उन लोगों के लिए है जो अपने घर से बहुत दूर रहते हैं और घर जैसा खाना नहीं खा पाते हैं, जिनको खाना बनाना नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैं, दाल है, चावल है और आलू है कच्चे, उनको छील लिया गया है। और एक ही कुकर में ये सारी चीज़ें हम बनाने वाले हैं स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस वालों के लिए, जो भी ऑफिस जाते हैं और उनके पास टाइम नहीं रहता, जो बैचलर हैं। तो एक कुकर में हमने एक कटोरी दाल डाल दी, इसमें पानी, हल्दी, नमक डाला और उसके बाद उसी कुकर में छिले हुए आलू को हम डाल देंगे। देखिए दोस्तों, उसके बाद उसमें कुछ टमाटर डाल देंगे और एक लोटे में चावल को करके हम रख देंगे। 2 कप चावल आप अपने लोगों के अनुसार ले सकते हैं। और देखिए, चावल को हमने ढक दिया और ये हमने कुकर का ढक्कन बंद कर दिया और अब हम इसे गैस पे चढ़ा के छोड़ देंगे और 2 से 3 सीटियों के बाद हम इसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों, दाल, चावल और उबले हुए आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और अब हम इस प्लेट को हटाएंगे और देखिए चावल कितना खिला खिला पका हुआ है, बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी। आप घर का खाना, वो भी माँ के हाथों के जैसा, आप खुद भी बना सकते हैं। और बाहर का खाना बहुत अनहेल्दी होता है, वो सारे स्टूडेंट्स जो अपने फैमिली को छोड़ के बाहर रहने आए हैं, उन लोगों के लिए ये ब्लॉग मेरा शायद कुछ मदद कर सकता है। देखिए, ये हमने अपनी दाल को फ्राई कर दिया, चावल हमारा तैयार है। अब हम अपने आलू को मैश करके उसमें कटे हुए टमाटर, मिर्च, हरी धनिया इसको डाल देंगे। पूर्वांचल के साइड में चोखा वगैरह काफ़ी फेमस है, उसी तरह का हम कुछ